बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने 4.3 के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आज उससे ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 दरमियान वाले जो स्टेटमेंट वाले लंबे लंबे क्वेश्चन है वो आप स्किप कर दें। ठीक है, वो एग्जाम में भी नहीं आते और वैसे भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट 21 पे जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। उसने कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो आपको पता कौन सी होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। टू इंटरसेप्ट फॉर्म ये भी पता है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू वन, और नॉर्मल फॉर्म जो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह नॉर्मल फॉर्म हम फाइंड करते हैं। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम जीरो जीरो ओरिजिन से उस लाइन का डिस्टेंस भी फाइंड करना है आपको। तो ए पार्ट है जी 2x - 4y + 11, फर्स्ट पार्ट इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ने क्या, आपने जस्ट वाई को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब ये इक्वेशन में से सिर्फ वाई की वैल्यू फाइंड कर लें। तो वन से हमारा ये 4y इधर आ जाएगा, तो 2x + 11 4 डिवाइड कर दें, ये देखें वाई की वैल्यू मिल गई। तो वाई और ये 2 भी डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 2 और 4, तो 1/2x + 11। तो ये आपकी स्लोप है एम और ये सी आपका वाई इंटरसेप्ट है। तो ये है जी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सिर्फ आपको y की वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। अब आ जाते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। टू इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद होगी x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1 है, वेयर a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट। तो क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड, कॉन्स्टेंट को एक साइड पे ले जाएं, जिस तरह ये 11 था तो -11 हो गया। तो आपने क्या करना है, जो भी साइड पे आएगा लेफ्ट राइट साइड पे आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म, उसी से डिवाइड कर दें। अब -11 है तो -11 से इसको डिवाइड कर दें। जब -11 से डिवाइड करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास जो फॉर्म है, ये 2 इधर नीचे ले आए, 4 भी इधर नीचे ले आए, ये फॉर्म उसी शेप में आ जाएगा, x ओवर a y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो ये जो है a, x इंटरसेप्ट इसका क्या है -11/2, और y इंटरसेप्ट क्या है b, जो कि 11/4 है। अब आ जाते हैं नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है आपको, सबसे वही काम जो अभी आपने किया है, -11 से इसको डिवाइड, ये जो है ना इसका कॉफिशेंट ए एक्स प्लस बी वाई, इसका आपने स्क्वेयर करके स्क्वेयर रूट लेना है। ये माइनस कैसे है बताता हूँ, ये 2 का स्क्वेयर और ये -4 का स्क्वेयर, तो ये क्या आ जाएगा 20। अब ये अगर तो इस साइड पर आपका माइनस है तो माइनस लगाएं, अगर इस साइड पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, ये लेफ्ट साइड वाली कॉन्स्टेंट टर्म आपकी डिसाइड करेगी, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। इस केस में नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव यूज़ किया गया। अब इस नंबर से डिवाइड कर दे, देखिए 2/20 - 4/20 - 11/20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। कैलकुलेटर से आप अगर आप स्क्वायर रूट 20 की वैल्यू चेक करेंगे तो वो 2√5 मिल जाएगी आपको। ये फॉर्म आपको याद होगी नॉर्मल फॉर्म की, ये मैंने इक्वेशन आपको बताई थी, एक्स कॉज ऑफ अल्फा प्लस वाई साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पी। इस अगर इसको कंपेयर करें तो एक्स के साथ कोफिशेंट है 2 ओवर, ये कॉज अल्फा की वैल्यू है, और जो वाई के साथ है वो साइन अल्फा की वैल्यू है। अब कॉज अल्फा है साइन अल्फा है, तो यहाँ से आप कैलकुलेटर से आपको ये अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, या आप टेंजेंट यहाँ से बना लें या अल्फा इधर साइन इनवर्स करके, ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, तो ये देखें इधर वैल्यू पुट कर दी। अब इस साइड का क्या करना है आपने, ये जो 11 ओवर ये तो अभी यूज़ नहीं हुई, एक्चुअली ये साइड ये पी है ना, ये जो भी पॉइंट निकलेगा ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस लाइन का ओरिजिन से। तो वो भी हमने क्वेश्चन में फाइंड करना है कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या है, तो वो क्या होएगा 11/2√5। तो नॉर्मल फॉर्म जब आप बनाएंगे तो एक साइड पे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा और दूसरी साइड पे उसकी नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 22, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। अब ये बड़ा आसान है, ये सारे पार्ट आप खुद कर सकते हैं। लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब उनकी स्लोप इक्वल होती हैं। परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनकी प्रोडक्ट -1 की इक्वल होता है। अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है तो फिर ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। तो स्लोप जस्ट आपको फाइंड करनी है, स्लोप आपको फाइंड करनी आती है।
23. Find the distance between the given parallel lines. Sketch the lines. Also find an equation of parallel line lying midway between them. लाइन स्केच करना है पैरेलल लाइंस के दरमियान में, डिस्टेंस फाइंड करना है. उसके बाद आपको क्या करना है, लाइन को स्केच करना है. स्केच करने के बाद जो उनके दरमियान से गुजर रही है लाइन एग्जैक्ट मिडवे से, उसकी इक्वेशन भी आपको बतानी है. तो ये ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसको इक्वेशन वन कह दें, इसको इक्वेशन टू कह दें. अब इन दोनों को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, नॉर्मल फॉर्म में, जिस तरह अभी 21 क्वेश्चन में करके दिखाया था. क्या करना है, इस 3 को इस साइड पर ले आए, इस 7 को इस साइड पर ले आए. ठीक है जी. तो ये 3 square 9 9 square plus 16 25 का 5 आ जाएगा. तो माइनस 5 से डिवाइड कर दें, ये 1 का आ गया, ये 1 की नॉर्मल फॉर्म बन गई. इसी तरह 2 की नॉर्मल फॉर्म भी आपकी वही आएगी. अब ये नॉर्मल फॉर्म में आपको पता है, ये जो राइट साइड पे 3/5 और 7/5 आया, ये उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ये स्केच भी हो रही है. ठीक है, स्केच कैसे करनी है, आपने एक्स और वाई इंटरसेप्ट इसके फाइंड कर लेने. एक्स और वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, एक्स को जीरो पुट करें वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा, वाई को जीरो पुट करें एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा. तो दोनों स्केच हो जाएंगे. अब देखें, एक का डिस्टेंस ये यहाँ तक है, एक का डिस्टेंस ये यहाँ तक है. तो अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस में से ये माइनस कर दूँ ये वाला डिस्टेंस, तो हमें सिर्फ ये वाला डिस्टेंस मिलेगा. तो और ये डिस्टेंस दोनों लाइन्स के दरमियान का वही डिस्टेंस है. From the line graph of lines, it is clear that lines are on the same side of origin, so the distance between them is equal. The difference between two perpendicular. अब देखें, वो जस्ट उनको माइनस किया, यही मैं आपको बता रहा था. माइनस करें, आपको उनके दरमियान में डिस्टेंस मिल जाएगा. अब हमें तीस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो उनके मिड वे से पास कर रही है और उनके पैरेलल भी है. तो जस्ट क्या करना है, डिस्टेंस हाफ करना है ना. तो जो हमारा डिस्टेंस है, मैं इधर लाइन के बताऊं, 7/5 आपका डिस्टेंस है इस वाली लाइन का, 3x - 4y + 3 का, इस वाली का. ठीक है, तो अब ये चूंकि मिडवे में है, तो आपने जस्ट इसको क्या कर देना, हाफ कर देना. ठीक है, तो 7/5 - 1/4 सिंप्लीफाई करें तो ये आपको आंसर मिल जाएगा. ये वो है आपका मिड पॉइंट मिल गया. ठीक है, वाई इंटरसेप्ट जिसको कह रहे हो आप. तो लाइन की इक्वेशन चूंकि वो पैरेलल है, इसलिए उसका एक्स और वाई कोफिशिएंट तो सेम रहेगा. तो ए एक्स प्लस बी वाई तो सेम है, सिर्फ सी इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आपका चेंज होना है, जो कि वैल्यू सी की है. तो ये सी की वैल्यू आपको मिल रही है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम ले लें, ये इक्वेशन आपकी बन गई. ये तो एक वे है. एक और भी वे है कि आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा दो लाइन्स के दरमियान में डिस्टेंस. क्या करना है, अब एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान में डिस्टेंस हम बड़ा इजीली इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं. लेकिन इधर हमें दो लाइंस दी गई थी, तो दूसरी लाइन, एक लाइन में हमने क्या करना होता है, उसका कोई सा पॉइंट पिक कर लें, मतलब एक्स को जीरो पुट करके वाई निकाल के एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो आपको ईजी लगता है वो पॉइंट पिक करें और दूसरी लाइन को यूज़ कर लें. पहले वाली लाइन का पॉइंट एक्स वन वाई वन है, दूसरी लाइन ये है. तो इस फॉर्मूले में पुट कर दें, आपको उन दो लाइन्स के दरमियान में डिस्टेंस मिल जाएगा. लेकिन शर्त ये है, लाइंस आपकी परपेंडिकुलर होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 24. फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4, 7 एंड पैरेलल टू द लाइन. लाइन बतानी है जो पैरेलल है इस लाइन के और इस लाइन से पास कर रही है. तो बड़ा आसान है, इस लाइन की स्लोप क्या होगी. अब डिफरेंट वे हैं आपको स्लोप फाइंड करने के. एक है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो जो एक्स का कोफिशेंट होगा वो आपकी स्लोप होगी. दूसरा जी, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशेंट ऑफ वाई कर लें, तब भी आपको स्लोप मिल जाएगी, जो कि इस केस में 2/7 है. अब लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन के पैरेलल का मतलब है हमारे जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप भी तो यही होगी. ठीक है, पॉइंट आपको दे दिया गया, स्लोप 2/7 है, पॉइंट आपका -4, 7 है. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हैं, वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाएगा. ठीक है जी, बड़ा आसान है. तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.